Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, population dynamics. Students, in this video we'll talk about the factors affecting population like birth rate, death rate, migration, immigration, then population density, densely populated area, sparsely populated area and population pyramid. Okay, student, do remember human resource is the most important resource out of all the resources. ऐसा क्यों बोला मैंने कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही सारे रिसोर्सेस को यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं. जैसे आयरन और अवेलेबल है, पर इस आयरन और का कुछ यूज नहीं है, आयरन और स्टील का यूज होता है. ठीक है बात. फिर अगर हम बात करें गोल्ड, जो रॉ फॉर्म में गोल्ड है उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है. उसका यूज तब होगा जब हम उससे कुछ यूजेबल बना लेंगे, ज्वेलरी बना लेंगे, कॉइन बना लेंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट एंड रिसोर्स ऑफ द नेशन. किसी भी कंट्री के लिए जो लोग हैं वहाँ के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, एसेट हैं. अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी होगी, वेल एजुकेटेड होगी, मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो वो कंट्री डेवलप कर ही जाएगी. कैसे? अब जैसे अगर हम जापान की बात करें, तो जापान में अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, एक आइलैंड नेशन है, फिर भी जापान इतना ज़्यादा डेवलप कर गया बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर है तो वो तो सारे इनपुट्स कहीं से भी अरेंज कर ही लेगा. चलो, immensely to the growth and development of a country. अगर आपकी population healthy है, well educated है, motivated है, तो growth और development आपकी country का हो कर ही रहेगा, वो उसमें contribute करेंगी. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमें nature ने provide की हैं उसकी importance बढ़ाने वाला human ही है ना, उनको use करके तभी तो उसे resource का status मिला. वो सारी चीज़ें जो हम हमारे डेली लाइफ और डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हो गए रिसोर्स. तो नेचर में पड़ी पड़ी वो चीज़ किसी भी यूज़ की नहीं थी, अगर ह्यूमन उसका एक प्रॉपर यूसेज, एक प्रॉपर यूज़ नहीं बता देता. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको लर्न करनी है वो है कि हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली. वो बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट. अब पॉपुलेशन किसको बोलते हैं बेटा? अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. क्या होती है पॉपुलेशन? टोटल नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एक प्लेस पे रहने वाले इनहैबिटेंट्स, मतलब जो लोग हैं, एक प्लेस पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें कलेक्टिवली ही क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन. उस पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन वहाँ रहने वाले लोगों को इकट्ठा करके बनती है. जैसे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन अलग है, इटारसी की पॉपुलेशन अलग है, और मेरे एरिया की अलग है. तो एक पर्टिकुलर एरिया जिसकी आप बात करें उसमें रहने वाले लोग वहाँ की पॉपुलेशन बनाते हैं. पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में. कुछ एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ स्पार्शली पॉपुलेटेड है. कहीं लोग बहुत कम एरिया में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. और वहीं अगर हम मिजोरम, मेघालय, लद्दाख की बात करें, तो बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं. तो ये हो गया डेंसली पॉपुलेटेड, ये हो गया स्पार्शली पॉपुलेटेड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो टर्म है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव. लोग किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री में, वर्ल्ड में, एक स्टेट में रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का. ये हमारी पॉपुलेशन का एक डोमिनेंट फीचर है कि हमारी पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पर ओवर क्राउडेड एरिया मिलेंगे, कहीं पर स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया मिलेंगे. ये एस्टिमेट किया जाता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है. 7 बिलियन को क्रॉस कर गई है ना, 7 बिलियन मार्क इन द ईयर 2011 में पॉपुलेशन 7 बिलियन. चलो, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज थी वर्ल्ड की जिनमें 60% पॉपुलेशन रहती है. 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, उनमें
तो यहाँ से आपको याद रखना कि 60% पॉपुलेशन टॉप 10 कंट्रीज में रहती है। आउट ऑफ दिस 60% की अगर अगर हम देखें तो इसमें भी फिर एक चेंज, एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखो, आउट ऑफ द 60% पॉपुलेशन अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन थ्री मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये जो 60% है इसका भी 40% सिर्फ थ्री कंट्रीज में है, चाइना, इंडिया एंड यूएसए। मोस्ट पॉपुलेटेड चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड यूएसए। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, जापान। ठीक है बात, तो फर्स्ट थ्री तो आप याद ही रख लें, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा पहले हमने देखा कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 60% जो पॉपुलेशन है वो टॉप 10 में रहता है, और इस टॉप 10 में भी जो शुरुआत के तीन है, कौन, चाइना, इंडिया और यूएसए, इनमें इस 60 का 40% रहता है। ठीक है बात, ये मैप है इंडिया का, आप लोग अपनी बुक में ओपन करके पूरे मैप को एक साथ में देखेंगे तो पता चलेगा कि भैया सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला। ठीक है बात, फिर पिंक कलर जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 300 to 400 है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, और जहाँ पर 401 to 600 तक है वो हुआ आपका झारखंड और पंजाब, हरियाणा। अब हम येलो पार्ट पे चलें बेटा, तो जो मिजोरम है और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से भी कम है। डेंसिटी क्या होती है, आप डेंसिटी सुनिए, पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 square kilometer, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये ही क्या होती है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। Density of population refers to the people, to the number of people living in 1 square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वहाँ से तय होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे ये रहा बिहार, ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा मिजोरम, ये त्रिपुरा। तो बेटा ये दो स्टेट में बहुत कम एरियाज में सेम पॉपुलेशन रहेगी पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, पर हो सकते हैं कुछ एरियाज हों जहाँ पर कम भी रहती है। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है वो बताती है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 square kilometer। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होती है बेटा, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर माइल बोलते हैं। कुछ एरियाज तो हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं बेटा जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, 1 square kilometer में, और कुछ इतने कम पॉपुलेशन वाले हैं जहाँ ये बिलो 100 आ जाता है। ठीक है बात, तो कुछ एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐसे भी हैं जहाँ पर डेंसिटी 1000 से भी ज़्यादा हो सकती है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम, कितनी कम, बिलो 100 भी होगी, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की अगर हम बात करें बेटा, तो जो फर्टाइल फ्लड प्लेन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है जहाँ पानी आसानी से मिल जाए। फ्लड प्लेन्स होंगे मतलब सॉइल फर्टाइल होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। जहाँ इंडस्ट्रियल रीजन होंगे, जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ लोग रहेंगे। वो सारे एरियाज जहाँ पॉपुलेशन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, ठीक है, एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज अबाउ 100% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हैं ईस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न सेंट्रल, नॉर्थ अमेरिका। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से होंगे बेटा, पहली बात तो पॉपुलेशन को देखें, जहाँ पर पॉपुलेशन 50 to 100
परसेंट पर स्क्वायर, 100 से ज़्यादा है तो डेंसली पॉपुलेटेड, 50 से 100 के बीच में पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर रहता है व्यक्ति, मतलब रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसे बोलेंगे मॉडरेटली पॉपुलेटेड। देखो मोर देन 100, अगर इतने एरिया में 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो क्या हो गया, डेंसली पॉपुलेटेड। फिर वहीं 50-200 रह रहे हैं अगर उतने ही रीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडरेटली पॉपुलेटेड। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये एरियाज जहाँ पर इरिगेशन प्रॉपर हो रहा हो, माइनिंग एक्टिविटीज प्रॉपर हो रही हो, वहाँ पर होगा कौन सा, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरली डेवलप्ड हो, सेमी ओबर्न हो नेचर में, वहाँ पर भी पॉपुलेशन जाके रहती है। ये जो एरिया है ना ही तो ज़्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं ना ही तो बहुत कम पॉपुलेटेड रहते हैं। अब हम नाम देखेंगे तो नाम है यूएसए का सेंट्रल पार्ट, सदर्न रशिया, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल चाइना, ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वर्ल्ड के। यहाँ पर हमने देखा अबव 100, यहाँ पर देखा हमने 50-200, यहाँ पर देखा साउथ एशिया, ईस्ट एशिया को यहाँ पर हम देख रहे हैं, सदर्न रशिया, यूएसए, वेस्ट अफ्रीका, स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया। अब स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया में पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन होगी लेस देन 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 से भी कम लोग रह रहे होंगे, उस एरिया को बोलते हैं स्पार्शली पॉपुलेटेड। अभी कहाँ होंगे, बहुत या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, हिली टेरेन हो, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, थार इन एशिया, एंटार्क्टिका के पोलर एरियाज, टुंड्रा रीजन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मिडवल माउंटेन रेंज, ये सब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अगर हम अब डिस्कस द फॉलोइंग करें तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया। Density of population means the number of people living in per square kilometer. Sparsely populated area की बात करें तो सहारा लिख सकते हो तुम यहाँ पर, desert, cold desert, ये sparsely populated area. Dash and dash are densely populated area. तो इसमें आप बोल दो एशिया, ईस्ट एशिया बोल दो, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया ही लिख दो, ज़्यादा इजी है, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड इन द ईयर 2011 7 बिलियन, कितना था बेटा 7 बिलियन, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं बच्चा, कुछ इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा रिलीफ फीचर्स, प्लेन प्लेट्यूज, माउंटेन्स, क्लाइमेट ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्श हो, टू हॉट टू कोल्ड नहीं होना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट अवेलेबल है नहीं है, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, पानी अवेलेबल है कि नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएगा मिनरल रिसोर्सेज हैं उस एरिया में तो पॉपुलेशन अच्छी होगी, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, अर्बनाइजेशन क्योंकि आजकल हेल्थ एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है तो अर्बन एरियाज में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, माइग्रेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। पहले हम लोग फिजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, रिलीफ फीचर। जो प्लेन एरिया होता है वर्ल्ड का वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। बेटा आप खुद सोचो, आप लोग एक प्लेन पे घर बनाना पसंद करोगे कि माउंटेन पे, यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता कि जो कॉस्ट होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम, तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्लेन्स पे, ठीक है। डेजर्ट से, माउंटेनियस एरियाज से हम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, प्लेन पे, क्योंकि प्लेन में होती है फर्टाइल सॉइल, एडिकेट इरीगेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन बनाना आसान है, मतलब रोड वगैरह बनाना आसान है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा आसान है। जैसे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, नाइल वैली में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के जो प्लेन्स है वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है बेटा, क्यों, क्योंकि क्या आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में या ठंडे एरिया में रह सकते हो, हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जो कि ना ही तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो ना ही तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, है ना, मॉडरेट टेम्परेचर रहे। तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है।
अगर एडिकेट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, वहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा मतलब टू हॉट और टू कोल्ड, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा, ठीक है, वो डिस्करेज करेगा पॉपुलेशन को वहाँ रहने से। हैंस टेम्परेट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव हायर पॉपुलेशन, जितने भी लोग रहते हैं बेटा हमारे वर्ल्ड में, ये जो रीज़न है इसे हम बोलते हैं पोलार रीज़न, ये जो रीज़न है इसे हम बोलते हैं इक्वाटोरियल रीज़न। तो ना ही तो पोलार रीज़न में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ना ही तो इक्वाटोरियल रीज़न में रहते हैं। ये जो बेल्ट बसता है 20 to 60 वाला, इसी में मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर बहुत कम, इसके ऊपर बहुत कम, इस एरिया में कम, यहाँ ज़्यादा। सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डेंसिटी को डिटरमाइन करता है बेटा। फर्टाइल सॉइल होगी जैसे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इनफर्टाइल सॉइल जैसे डेजर्ट में है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन कम होगी। वो सारे एरियाज जहाँ एल्यूवियल ब्लैक सॉइल है वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, क्यों? फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और फर्टिलिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन होगा, लोग वहाँ ईजिली फूड ले पाएंगे, मतलब प्रोड्यूस कर पाएंगे। देन वाटर, इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैन वी लिव विदाउट वाटर? नॉट पॉसिबल। कैन वी ग्रो फूड विदाउट वाटर? नॉट पॉसिबल। फार्मिंग, डेयरी, कुछ भी नहीं हो सकता बिना पानी के। तो पानी भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नीड है ह्यूमन बींग की। जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशन हुई, भले वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई हो, नाइल वैली सिविलाइजेशन हुई हो, चाइनीज वैली सिविलाइजेशन हुई हो, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई है, ये चारों नदियों के किनारे पे हैं। नाइल वैली तो नाम से, नाइल वैली इंडस रिवर नाम में ही दिख रहा है, इंडस वैली। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो दो रिवर के बीच में, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। चाइनीज वैली सिविलाइजेशन है हुआंग हे रिवर के। तो पहले तो जितनी भी सिविलाइजेशन हुई कहाँ पर हुई? नदी के किनारों पर ही हुई। वाटर बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो लोग ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पानी ईजिली अवेलेबल हो। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का भी एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को निर्धारित करने में, डिटरमाइन करने में, ठीक है। जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एडिकेट नहीं है। जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, ये हाई पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते बेटा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा रहेगी जहाँ पर ग्रास लैंड्स। इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें बेटा, तो मिनरल रिसोर्सेज उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो एरियाज जहाँ पर मिनरल्स हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं और ईजिली अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, ठीक है बात। तो जो एरियाज हैं जो रिच है मिनरल्स में, वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैरन डेजर्ट एरिया। हैंस द मिनरल रिच एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, मिनरल रिच एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, देखो जहाँ पर भी फैक्ट्री होगी वहाँ पर लोग काम करने आएंगे, और काम करने आएंगे तो बाद में अपनी फैमिली को लाएंगे और वहाँ पर रहने लग जाएंगे, है ना। जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी को वहाँ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्रियल एरियाज आर ऑलमोस्ट इनवेरेबली एसोसिएटेड विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ USA, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न चाइना, ये सारे एरियाज ऐसे हैं बेटा जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए क्या बेटा आपको? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हो सकता है जॉब के लिए जाना हो, स्कूलिंग के लिए जाना हो, हम बीमार हो तो जाना हो, तो अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए। अर्बनाइजेशन मतलब स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो। माइग्रेशन, कई लोग जॉब्स के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, कई बार लोग दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में भी आते हैं, कई बार हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से USA में जा रहे हैं। तो माइग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बेटा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, अदरवाइज़ तो लोग वहाँ से भागना की कोशिश करेंगे। ये जितने भी फैक्टर हैं ये भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एरिया जहाँ पर वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, वहाँ रिमोट एरियाज से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। सिमिलरली जो अर्बन एरियाज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर भी रूरल एरियाज से ज़्यादा ही लोग रहेंगे।
फर्स्ट पूछा गया है कि ये जो फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, तो कौन सा है बच्चा? फिजिकल फीचर्स, जिसमें क्या आ जाएगा आपका क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, है ना? और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल फैक्टर. इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं. एडिक्वेट क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होती है पॉपुलेशन के लिए. जो प्लेन एरियाज होंगे, प्लेन्स होंगे, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट एंड हिली रीजन्स, माउंटेनियस रीजन. डैश एंड डैश आर इकोनॉमिक फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा बेटा? ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना, है ना? इट मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ना ही होता है और हम बढ़ ही रहे हैं बेटा, पर हो सकता है कभी कम भी हो जाए तो उसे हम नेगेटिव ग्रोथ बोलेंगे. ठीक हुई बात? जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल में चेंज आना एक स्पेसिफिक टाइम में. पहले 100 थे तो अब 110 हो गए होंगे, या पहले 100 थे तो अब 90 हो गए होंगे, पर 90 होने वाली जो चांसेस है वो बहुत कम है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एरिया. एक एरिया के रहने वाले लोगों में एक पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज आएगा उसे ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. ये जो ग्रोथ होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है. निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के नंबर का बढ़ना. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल. पानी पी रहा था और ये नीचे हो गई. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. ठीक है बात? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाना ही पॉपुलेशन ग्रोथ है. पॉजिटिव चेंज क्या होगा? देखो, जब पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम में एक एरिया की बढ़ जाए, अगर पहले 100 थी तो 110 हो जाए, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंक्रीज. नेगेटिव इंक्रीज क्या होगा? ये नेगेटिव चेंज क्या होगा? वो टाइम, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाए. नेगेटिव चेंज रिफर्स टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में जब डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव. जैसे पहले 100 थे, फिर क्या हो गए? 90. ये जो चेंजेस हैं ये क्लोजली कुछ ही फैक्टर्स के कारण होते हैं, कुछ ही कंपोनेंट हैं जो पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब क्या कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. बर्थ रेट क्या होता है बेटा? पर 1000 पीपल पर कितने लाइव बर्थ हुए. ठीक है बात? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर. एक साल में 1000 लोगों पे कितने लोगों का बर्थ हुआ, ये होता है बर्थ रेट. डेथ रेट भी सेम है. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल. पर 1000 पीपल पे कितनी डेथ हुई, वो हो गया आपका डेथ रेट. फिर एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी बच्चा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर दोगे तो एनुअल ग्रोथ रेट निकल जाएगी. जो एनुअल रेट है नेचुरल, एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ. एक साल में बर्थ और डेथ में जो डिफरेंस आया उसी से क्या निकलता है? एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक हुई बात? अगर बर्थ ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी. माइग्रेशन क्या होता है बेटा? माइग्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. साइंस में भी माइग्रेशन होता है, मतलब बर्ड्स, फिश भी माइग्रेट करती हैं, पर अभी हम एसएसटी वाला माइग्रेशन पढ़ रहे हैं. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दो टाइप के माइग्रेशन होते हैं, एक इन माइग्रेशन, एक आउट माइग्रेशन. जो इन माइग्रेशन होता है उसे हम इमिग्रेशन भी कहते हैं, जो आउट माइग्रेशन होता है उसे एमिग्रेशन कहते हैं. ई मतलब आउट, बाहर, और इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन मतलब इन, कोई हमारी कंट्री के अंदर आया. जब लोग माइग्रेट करते हैं दूसरी प्लेसेस से, ठीक है, व्हेन पीपल
और माइग्रेंट्स कम फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड सेटल डाउन एट पर्टिकुलर प्लेसेस, दूसरी प्लेस से आके यहाँ रहने लग गए, तो ये क्या हो गया, इन माइग्रेशन, यहाँ के लोग जाकर कहीं बाहर रहने लग गए, तो वो हो गया आउट माइग्रेशन. इन दिस फॉर्म माइग्रेशन पीपल मूव फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया टू सेटल डाउन इन अनदर एरिया, दूसरी जगह जा रहे हैं, आउट माइग्रेशन, एमिग्रेशन, दूसरी जगह से पहली जगह हमारी जगह आने, तो इन माइग्रेशन. हमारी कंट्री इंडिया में आया तो इमिग्रेशन, इन माइग्रेशन, इंडिया से बाहर गया, आउट माइग्रेशन. माइग्रेशन भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है बेटा, ठीक है. माइग्रेशन टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. जैसे आप एजुकेशन के लिए USA, फ्रांस, जर्मनी कहीं गए, तो वो तो परमानेंट नहीं है ना, आप पढ़ के वापस आ जाओगे, ठीक है. पर कई बार आप जॉब्स के लिए गए, वहीं आपने घर भर रह लिया, वहीं रहने लगे. माइग्रेशन कैन बी रूरल एरिया टू रूरल एरिया, रूरल से रूरल, गांव से गांव, अर्बन एरिया टू अर्बन एरिया, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, ये अर्बन टू अर्बन होंगे. रूरल टू अर्बन, बिहार के समस्तीपुर से आप कहाँ चले गए, मुंबई. अर्बन टू रूरल एरियाज, मतलब बॉम्बे से किसी गांव में काम करने आ गए, ठीक कोई बात. सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इट कमेंट सेक्शन.